कॉस्मिक स्पाइडरमैन, तो कैसे बना अपना एक फ्रेंडली हुड स्पाइडरमैन कॉस्मिक स्पाइडरमैन, और क्या ये सच में यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल लौंडा है, और क्या सच में कॉस्मिक स्पाइडरमैन थॉर, हल्क और सुपरमैन जैसे बींग्स को हरा सकता है, सारी चीजें तुमको जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। उससे पहले थैंक यू फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। बिना तुम्हारी खोपड़ी दुखाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। '90 में मार्वल ने एक अवेंजर्स से रिलेटेड सीरीज लॉन्च की थी, जिसके अंदर अपना लोकी विलन्स की एक टीम फॉर्म कर रहा था। यार इस लोकी की कितनी बार अवेंजर्स ने बजाई है, फिर भी साला वापस आ जाता है। तो ये लिटरली अपनी टीम फॉर्म करना चालू करता है और ये टीम बना भी लेता है, और ये सच में अवेंजर्स के नाक में दम कर रहा था और अवेंजर्स की बजाए जा रहा था। बट कहते ना यार, एक मियार में दो तलवारें नहीं रह सकती। सेम ऐसा ही हुआ, सारे विलन्स आपस में झगड़ने लगे। कोई बोल रहा था मैं लीडर, कोई बोल रहा मैं लीडर। तो अवेंजर्स को फिर मिल गया मौका और उन्होंने पेल दिया इनको। उसके बाद जब लोकी अर्थ को छोड़ के जा रहा होता है, जलन की भावना में उसने ट्राई सेंटिनल्स को बना दिया। उसके बाद उसने उनको अर्थ पर छोड़ दिया और वो लिटरली अर्थ पर तबाही बचा रहे थे। ट्राई सेंटिनल्स लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर अपना स्पाइडरमैन लटकते लटकते आता है उनको हराने के लिए, लेकिन अपना स्पाइडरमैन साला एक सेकंड भी नहीं टिक पाया, एक घुसे में बिल्डिंग के अंदर घुस गया। और तभी एंट्री होती है यूनी पावर की। यूनी पावर लिटरली यूनिवर्स की एक ऐसी पावर है जो अगर किसी के अंदर चली गई तो उसको बेशुमार ताकत मिल जाती है। सेम वही चीज उस टाइम अपने स्पाइडरमैन के साथ हुई। देखो यार, यूनी पावर भी एक माइंड सेट है, वो ऐसे किसी के अंदर नहीं घुसती है, वो ईमानदार है या फिर वर्दी है कि नहीं है, सेम अपने योमिर जैसे। तो चलो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, अपना स्पाइडरमैन वर्दी है और वो थॉर का हथौड़ा उठा सकता है। और उसके बाद कॉस्मिक स्पाइडरमैन एक एक घुसे में ही दोनों ट्राई सेंटिनल्स को उड़ा देता है। ये पहली बार था जब अपना स्पाइडरमैन कैप्टन यूनिवर्स बनाता, जिसे अपन कॉस्मिक स्पाइडरमैन भी बोल सकते हैं। दूसरी बार अपना स्पाइडरमैन तब बनाता जब एक लेबोरेटरी में काम कर रहा था, एक ब्लास्ट होने वाला था, दूसरे प्रोफेसर को बचाने के चक्कर में वो खुद उस ब्लास्ट का शिकार हो गया, और तब उसको वापस मिल जाती है बेशुमार ताकत, और वो उस ताकत से बहुत सारे विलन्स को हराता है। लिटरली ड्रैगन मैन, और लिटरली एक पंच में अपने हल्क को में फेंक देता है। हालांकि उसके बाद अपना स्पाइडी अच्छा है जो उसको वापस लेके भी आता है। और ये सारी घटना अपने मेन यूनिवर्स में हुई थी, मतलब अर्थ 616 वाले में। शायद आने वाले मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट के अंदर अपन को कॉस्मिक स्पाइडरमैन देखने को मिले या फिर यूनी पावर देखने को मिले तो फिर मजा ही आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉस्मिक स्पाइडरमैन सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। तो हाँ यार, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे एक चीज नहीं है उसके पास, वो ये कि वो सिर्फ अपने यूनिवर्स में ही पावरफुल है, दूसरे यूनिवर्स में वो जाके पावरफुल नहीं है उतना। मतलब कहते ना कि अपना घर का शेर है वो, बाहर निकला का तो पेल जाएगा। और एक जने ने लिटरली कॉस्मिक स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह मारा था, उसके बारे में मैं तुमको आने वाले पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा। तुम अभी कहीं गुस्सा होकर मेरे माता-पिता फोड़ ना दो। उससे पहले मैं इस वीडियो को रैप अप कर रहा हूं।